खमन, ढोकला है ना, और बर्गर, पिज्जा। तो ये खान पान के निश्चित मतलब खान पान में बदलाव का मतलब ये है कि हम अपना स्थानीय खाना तो भूलते जा रहे हैं और दूसरे राज्य दूसरे क्षेत्रों के खाने को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ठीक है ना, कल आगे चैप्टर रीड करेंगे, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। खान पान के विशिष्ट संस्कृति में लेखक का क्या मतलब है, अपने घर के उदाहरण लेकर इसकी व्याख्या करें। खान पान की विशिष्ट संस्कृति का मतलब है कि स्थानीय भोजन के साथ साथ बाह्य क्षेत्रों के भोजन को भी शामिल करना, आया समझ में, यानी मिश्रित स्वयं का स्थानीय भोजन और दूसरे देशों में दूसरी जगहों का भोजन। तो स्थानीय भोजन के साथ साथ बाह्य जगह के बाह्य भोजनों को भी अपने भोजन में शामिल करना मिश्रित संस्कृति कहलाती है। जैसे हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो हमारे यहाँ राजमा, चावल, सब्जी, रोटी बनाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग खमन भी बनाते हैं, इडली भी बनाते हैं, ढोकला भी बनाते हैं। तो अपने स्थानीय भोजन में दूसरे भोजन को शामिल करना मिश्रित संस्कृति कहलाता है। क्लियर। खान पान के बदलाव से कौन से फायदे हैं, फिर लेखक ने इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। खान पान के बदलाव से बहुत फायदे हैं। पहले महिलाओं को जल्दी बनने वाले भोजन की विधियां पता चल गई है ना, फास्ट फूड जिसे कहते हैं है ना, महिलाओं को जल्दी बनने वाला भोजन की विधियां पता चल गई। दूसरा, हमारी भोजन के साथ साथ हमें दूसरे भोजन का भी लुत्फ उठाना आसान हो गया। ठीक है। तीसरा, कम समय में बनने वाला भोजन हम तक पहुंचने लगा। ठीक है, ये है इसके फायदे। हम एक दूसरे की संस्कृति को पहचानने लगे, इससे एकता स्थापित हुई कि एक स्थान की संस्कृति दूसरे स्थान की संस्कृति से मेल होने लगा, ये इसके फायदे हैं। लेकिन लेखक चिंतित क्यों है, क्योंकि लेखक चिंतित इसलिए है कि बाह्य चीजों को महत्व देने के कारण हमारा जो स्थानीय भोजन है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। बाह्य चीजों को, मैं अभी सिर्फ पेठा है, आगरा का पेठा है, लेकिन पेठा कोई भी पसंद नहीं करता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि लुप्त होता जा रहा है ना। पहले के लोग ना जो मदिरे, खरबूजे के जो बीज होते हैं उनको सुखाते, फिर उनको छीलते, फिर उनसे मिठाइयां बनाते, लेकिन आजकल कौन इतनी मेहनत करे, तो कोई बनाना ही नहीं चाहता। तो खान पान की मिश्रित व्यवस्था संस्कृति के कारण जो हमारा स्थानीय भोजन है वो धीरे 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 दूर होता जा रहा है। खान पान के मामले में स्थानीयता क्या करते हैं, स्थानीयता करते हैं कि हमारे क्षेत्र विशेष में पाया जाने वाला भोजन, हमारे क्षेत्र विशेष में पाया जाने वाला भोजन, जैसे आगरा के पेठे हो गए है ना, मथुरा के पेड़े हो गए, अलवर का मिल्क केक हो गया। तो जो स्थान विशेष के जो भोजन है वो वहीं पे, अब जैसे आजकल क्या होता है अलवर का मिल्क केक है वो सब जगह बनता है, हमारे यहाँ भी बनता है। तो पहले तो क्योंकि तो कोई अलवर जाता तो हम कहते हैं अरे भाई वहां से कलाकंद लेते आना, वहां का कलाकंद बहुत प्रसिद्ध है, या मथुरा जा रहे हो तो पेड़े लेते आना, या आगरा जा रहे हो तो पेठे लेते आना। लेकिन अब हर चीज स्थानीय क्षेत्र में बनने लगी, इससे क्या होता है कि क्षेत्र विशेष के बनने वाले भोजन की मांग कम हो गई। ठीक है। घर में बातचीत करते पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती है, क्या क्या चीजें बनाई बाजार से आती है, या आप लोग घर में रहते हो तो क्या क्या